14 अगस्त के ऊपर देख रहा हूँ, परचम के साथ साथ लोग बाजे बजा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपका बच चुका है या अभी बजा रहे हैं, मेरे को कैसा रहती है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आजादी का महीना है, 14 अगस्त की आमद है, दिन भी आने वाला है 14 अगस्त के ऊपर सब्ज हलाली परचम नजर आते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज जो काबिले गौर होती है वो होती है बाजा, जो इस कौम का बच चुका है। लोग उसे बाजा ले रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि 14 अगस्त में बाजा बजाएंगे या इनका इन हालात से बाजा बच चुका है। आइए लोगों से जानते हैं। सर क्या हाल है? चल क्या कर रहे हैं? इधर बाजे देख रहे हैं। बाजा किस लिए देख रहे हैं? आपको लोग भी देखें किसका बाजा बजता है, लोग उसको लाइव देखें। मुझे ये बताया, मैं 14 अगस्त के ऊपर देख रहा हूँ परचम के साथ साथ लोग बाजे बजा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपका बच चुका है या अभी बजा रहे हैं, मेरे को कैसा रहती है? मुझे बच चुका है भाई। कैसे बजा? मैंने बचा रहा आपको जब पता है ना, तो जब लाइट बंद होती है क्या आवाज आती है? इससे ज्यादा आती है। क्या आती है ये आवाज आती है? इससे भी ज्यादा बड़े वाली आती है। अच्छा ये जितनी आवाजें हैं ये कुछ भी नहीं है? ये कुछ भी नहीं है। हाँ ये आवाजें तब भी नहीं आ रही है जब हमारे साथ जो हो चुका है ना। हाँ नहीं, अभी आवाजें पहुँच नहीं रही आज तक। मैं यही पूछने लगा था कि 14 अगस्त पे कौम बाजा बजाएगी, इस कौम का पहले भी बज चुका। इससे बड़ा बाजा बज गया, इससे बड़ा ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। भाईजान बड़े परेशान खड़े हैं, क्या हुआ है? भाई परेशान ही होना है, जितना महंगाई ने बुरा हाल किया हुआ है। हाँ ठीक है, जीना आराम किया हुआ है, इस मुल्क में रहना मुश्किल हुआ है हमारा तो। मेरे भाई परेशान लग रहा था, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। ये पता क्या चीज़ है? ये भाई वो चीज है जो आजकल पूरे मुल्क की बजी हुई है, ये बाजा है। जी बाजा है, 14 अगस्त के ऊपर बाजा लोग बजाते हैं भाई। हमारी 14 अगस्त से पहले 14 अगस्त बना दी इस गवर्नमेंट ने। अच्छा, दिन में स्कूल नहीं है, रात को स्कूल नहीं है। अच्छा ठीक है, सोते वक्त भी आम का बाजा ही बाजा है, अजीब सी बाजा निकल रही है। इससे भी बड़ा बाजा बज गया आपका? मैं कह रहा हूँ उससे डबल ट्रिपल बज गया आम का। ये वाला बजता है? ये वाला चेक करें जरा, मैंने पहले चेक करके रखे हुए हैं सारे। ये देखें, इससे ज्यादा खौफनाक आवाजें आती हैं जब रात को इंसान सोता है महंगाई की वजह से, उसकी कमर टूट गई है। मुझे ये बताएं वो आवाजें कैसी हैं? वो आवाजें काबिले बर्दाश्त, वो आवाजें आप नहीं सुन सकते। हाँ ये बच्चा है ना। हाँ जब रात को लाइट बंद होती है ना। अच्छा, तो इसकी आवाजें नहीं सुनी देती। तो आप मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के आप नहीं निकले बाजा लेके? कहाँ पे भी है आप समझ जाए, आप कहाँ पे भी है उस्मान? ये बाजा तुमसे कितना बड़ा है? 3 फुट। 3 फुट? तुम कितने फुट के हो? मैं 4। मैं तुमसे छोटा हुआ। हाँ जी। तो बाजा बजा लोगे इतना बड़ा? हाँ जी। या पहले बज चुका है? बज चुका है। अच्छा मुझे ये बताया, इसमें से कौन कौन सा बाजा है जो इंसान का शादी के बाद बज जाता है, कौन सा बाजा महंगाई की वजह से बजता है, कौन सा बाजा हालात खराब होने की वजह से बजता है, और कौन सा 14 अगस्त से बजता है? ये सारे जो है ना 14 अगस्त वाले बाजों से बड़े बाजे। अच्छा ये बच चुके हैं। अच्छा जब यही आप उनकी आवाज में कहती है मैंने ये शॉपिंग करनी है, वो कौन सा बाजा होता है? वो उसकी आवाज सर मैं सुन सकता हूँ, उसकी फील भी आप ही कर सकते हो? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। अभी मुझे पता है ना बाजार आया हूँ, गर्मी भी शिद्दत है। अच्छा वैसे बच्चों को तो आपको पता है उन्होंने चीजें लेनी लेनी। जब आप बाइक पे गुजरते हो बच्चे रोते हैं, परचम सब हलाली लहरा रहे होते हैं, बाजे बज रहे होते हैं, बच्चे भी जिद करते हैं हमने भी लेने। बैठे घर जाके बजे ये जो उनके बाजे बजते हैं, मैं उनको रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा कि ये आपके बाजे बज चुके हैं। अगर ना लेके देंगे फिर भी बजेगा? घर जाके फिर बीवी से बजेगा। नाज़रीन हमने लोगों से जाना कि बाजा 14 अगस्त पे बजाएंगे या इस काम का पहले बज चुका है। लोगों का कहना यही था कि हमारा बाजा बज चुका है, जितनी महंगाई है कमर तोड़ महंगाई है, रात को सोते वक्त बाजे से भी भयानक आवाजें जो है वो करवट लेने भी आती हैं। अब देखते हैं 14 अगस्त के ऊपर कौन सा बाजा कौम का बजता है, क्योंकि पहले बाजा बज चुका है। अब देखते हैं हालात पाकिस्तान के ठीक होते हैं, जब हालात ठीक होंगे महंगाई कम होगी तो इस कौम को 14 अगस्त मनाने में भी मजा आएगा और अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि हमने देखा है जितने भी स्टॉल हैं खाली पड़े हुए हैं और लोग आते हैं और रेट पूछ के चले जाते हैं, क्योंकि रेट इतने ज्यादा हैं तो लोग परेशान हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार,
फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।